दोस्तों, आजकल लोगों में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो एसिडिटी की। लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसे फेस करते हैं जब पेट में गैस बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि लोगों के पेट में गैस बनने लगती है और उसका काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनका एसिडिटी प्रॉब्लम सही नहीं होता? तो इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है एसिडिटी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो H2 ब्लॉकर कैटेगरी की मेडिसिन कौन कौन सी होती है? तो H2 ब्लॉकर, जिसको हिस्टामिन H2 रिसेप्टर भी बोला जाता है, ये काम क्या करता है, जो हमारे स्टमक के लाइनिंग से एसिड प्रोड्यूस होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है, यानी उसके अमाउंट को कम कर देता है, क्योंकि बिना एसिड के हमारे भोजन का पाचन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो H2 ब्लॉकर होते हैं वो एसिडिटी को, जो एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कभी कभी क्या होता है कि पेट में जैसे चूहे कूदने लगते हैं, तो वहाँ पे एसिड बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। तो वहाँ पे जब एसिड बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हमें गैस की समस्या होने लगती है। अगर उस टाइम पर हमने कुछ खाया नहीं तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो वहाँ पे जो मेडिसिन दी जाती है उसमें सेमेटेरिन, फेमोटेरिन, रेनेटेरिन, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। इसमें बात करें अगर हम रेनेटेरिन टेबलेट के बारे में, तो H2 ब्लॉकर होने की वजह से ये क्या काम करेगा, जो हमारे स्टमक के लाइनिंग के द्वारा एसिड प्रोड्यूस होता है उसको ये रिड्यूस करेगा। तो ये कहाँ कहाँ पे, किस कंडीशन में, तो जो हमारे ड्यूडनम यानी ड्यूडनल अल्सर होते हैं, यानी ड्यूडनल रीजन में अल्सर यानी छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर, अगर हमारे गैस्ट्रिक रीजन में अल्सर हो गया हो, या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी क्या होता है कि जब भोजन हमारे पेट में रहता है वो हमारे एसोफेगस यानी फूड पाइपलाइन के थ्रू बाहर आने लगता है, तो उससे हमारे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है, तो उसके ट्रीटमेंट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीजन में अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो वहाँ पे यूज़ की जाएगी। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो एसीलाक, रेनटेक, जेनटेक इसके फेमस ब्रांड नेम है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो रेनेटेरिन टेबलेट आपको 75 mg में मिल जाएगा, 150 mg में मिल जाएगा और 300 mg में। नेक्स्ट की बात करें तो PPI, जिसको बोला जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये क्या काम करता है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है ये इसके इरिवर्सिबल काम करता है। वहाँ पे क्या काम करता है, ये जो रेसिडुअल लुमिनर या सरफेस होते हैं पैराइटल सेल के, तो वो ये वहाँ पे बाइंड हो जाता है, जिससे जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है वो कम कर देता है। तो PPI में जो मुख्य रूप से ओमीपैराजोल, लैंसोपैराजोल, पेंटोपैराजोल, इस्मोपैराजोल जो काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ये टेबलेट कैप्सूल और इंजेक्शन फार्म में भी आते हैं। यहाँ पे जब ये एसिड का सिक्रेशन कम कर देगा तो जो गैस बन रही है पेट में वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें ओमीपैराजोल कैप्सूल की, तो ओमीपैराजोल कैप्सूल जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है GRD, यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये जो फूड पाइप की लाइन की तरफ हमारे जो है भोजन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हमारे सीने में जलन होने लगती है, एसिड बनने लगता है, तो उसके उपचार में जोलिनर इल्सन सिंड्रोम, ये ऐसी एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है, तो उसके ट्रीटमेंट में ओमीपैराजोल कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ड्यूडनल अल्सर, अगर ड्यूडनल रीजन में अल्सर हो गया हो यानी घाव हो गया हो, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर इसके हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपको मार्केट में आसानी से 20 mg और 40 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाएगी, और ये PPI कैटेगरी की होने की वजह से इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है खाना खाने के आधा घंटा पहले या खाना खाने के बाद। दूसरे ड्रग्स की बात करें तो पेंटोपैराजोल टेबलेट, पेंटोपैराजोल 40, जो कि पेंटोपैराजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टेबलेट है, अगर इसके यूज़ की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है H1 केस में, अगर सीने में जलन हो रही हो यानी एसिडिटी के कारण अगर जलन हो रही हो तो उसके ट्रीटमेंट में, या हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा गैस बन रही हो, या स्टमक अल्सर हो गया हो यानी पेट में छाले पड़ गए हो, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें कई सारे आप कॉम्बिनेशन फार्म में देखेंगे,
पेंटोपेराजोल एंड डोमपरीडॉन के भी कॉम्बिनेशन में आते हैं, वो भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं गैस के प्रॉब्लम में। तो ये सारे के सारे जो टेबलेट और कैप्सूल हैं ये गैस की समस्या का निवारण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर इसमें हम और बात करें तो जैसे अगर कहीं पे हेलिकोबैक्टर पायलोरिक इन्फेक्शन हो गया हो, यानी बैक्टीरिया एक होता है, अगर उसके कारण भी एसिडिटी बनने लगती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर वही हम इसमें DSR कंपोजिशन की बात करें जिसमें पेंटापरोजोल और डोमपरीडॉन ये सारे होते हैं, तो इसमें DSR जो होते हैं वो कई तरह से होते हैं, क्योंकि इसमें गैस्ट्रो रेजिस्टेंस भी आते हैं और एंट्री कोटेड आते हैं। एंट्री कोटेड का मतलब ये होता है कि उसको तोड़ के नहीं खाया जा सकता, डायरेक्ट निकला जाता है। तो जो DSR होते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है गैस्ट्रो रिफ्लैक्स डिजीज में। और पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक रीजन में अगर अल्सर हो गया हो या घाव हो गया हो तो वहाँ पे उपचार में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। हार्ड वन, सीने में अगर जलन हो रही हो गैस के कारण, एसिडिटी के कारण, तो वहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सारे PPI ग्रुप के मेडिसिन है। तो PPI जो हमेशा क्या काम करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है। जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएगी तो एसिडिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो डोमपरीडॉन होता है साथ में, तो ये हमेशा खाली पेट यूज करने के लिए दिया जाता है दिन में एक बार। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड ये क्या काम करता है, जो हमारे पेट में एसिडिटी बनी हुई हो बन जाती है तो उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। यानी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को खा लेते हैं, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो अगर वो एक्सेस अमाउंट में खा लिए तो क्या होगा कि जितना एसिड हमारे स्टमक से रिलीज होना था उतना एसिड नहीं रिलीज हो पाया, तो एसिडिटी बन सकती है। अगर ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा खाना खा लिया और ज़्यादा एसिड निकल आया, तो वहाँ पर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या काम करता है कि एसिडिटी अगर ज़्यादा बन गई हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसको न्यूट्रल कर देता है। जब न्यूट्रल कर देगा तो इजी रूप से जो है वो गैस खत्म हो जाएगी। तो इसमें अगर बात करें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जेल फॉर्म में आते हैं, इसके सस्पेंशन भी आते हैं, सीरप भी आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन, यानी जब अपच की शिकायत हो, यानी भोजन का डाइजेशन ना हो रहा हो, यानी भोजन पच नहीं रहा हो, जब भोजन नहीं पचेगा तो एसिडिटी आ जाएगी। तो उसके प्रॉब्लम के लिए हार्ट वन, अगर सीने में जलन हो रही हो, स्टमक अपसेट, यानी जो स्टमक है अगर वो अपसेट है तब भी इसका यूज किया जाएगा। एक्स्ट्रा गैस, अगर किसी वजह से गैस आ गई हो, यानी गैस की प्रॉब्लम, यानी एसिड बन रही हो, तो वहाँ पे इन सारे सीरप और सस्पेंशन और जल का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है एसिडिटी के ट्रीटमेंट में। कुछ होम रेमेडी भी यूज़ की जाती है एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमने जो जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए। ऐसे वीडियो और आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।